हाँ, तो मीन्स इट इज़ क्लियर दैट वेन वाटर इज एडेड टू एसिड द एच प्लस आयन कंसनट्रेशन विल बी इंक्रीज, बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट एसिड सॉल्यूशन विल हैव बोथ आयन्स एच प्लस एंड ओ एच माइनस, बट ओ एच आयन आर इन वेरी लेस प्रोपोर्शन. मतलब कि हमारा एसिड सॉल्यूशन है, मतलब ये नहीं है कि उसमें एच प्लस और एच प्लस ही होगा बस, है ना. इट विल हैव बोथ आयन्स, उसमें एच प्लस भी होंगे और ओ एच माइनस आयन, हाइड्रोजन आयन भी होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे, बट हाइड्रोक्सन आयन्स आर इन वेरी लेस प्रोपोर्शन. ओ एच माइनस कम होंगे और एच प्लस ज्यादा होंगे. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट वन इज बेस. सो व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर, जब अपने बेस को पानी में ऐड करते हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन इंक्रीजेस, है ना. एसिड ऐड करते हैं तो पानी में एच प्लस बढ़ता है और बेस ऐड करते हैं तो ओ एच माइनस आयन बढ़ता है. नाउ दिस बेसिक सॉल्यूशन विल हैव मोर ओ एच माइनस आयन एंड लेस एच प्लस आयन, है ना. अब इस बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ओ एच ज्यादा होंगे और एच प्लस कम होंगे. मीन्स We can say that basic solution have excess hydroxide ion. क्या बोल सकते हैं हम, basic solution में excess hydrogen ion होते, sorry hydroxide ion होते हैं, है ना. basic solution में क्या होता है, excess hydroxide ions होते हैं. Now point to be noted that basic solution will have both ions H plus and OH minus, दोनों ही होंगे, है ना. जैसे acidic solution में भी H plus और OH दोनों होते हैं, ऐसे ही basic solution में भी H plus और OH ion दोनों होंगे, but basic solution एच प्लस आयन्स आर इन वेरी लेस प्रोपोर्शन, है ना. बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें एच प्लस कम होंगे और ओ एच ज्यादा होंगे, और एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें ओ एच आयन हमारे कम होंगे और एच प्लस ज्यादा होंगे. ओके, सो वॉट इज पी एच स्केल. सो नाउ वी विल गो थ्रू अ पी एच स्केल, दैट इज अ स्केल विच इज मेडअप ऑफ नंबर्स. स्केल लिखा है मतलब नंबर से ही मिलकर बना होगा. सो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ पी एच स्केल हियर. ओके, इन दिस स्केल 0 टू 14 नंबर्स आर रिटन. ओके, 0 टू 14 नंबर्स हैव बीन रिटन हियर. सो एट द पॉइंट 7 न्यूट्रल इज रिटन. ओके, व्हाट इज रिटन एट द पॉइंट ऑफ 7, न्यूट्रल वर्ड इज रिटन हियर. मीन्स इफ एनी सॉल्यूशन विच इज कंटेनिंग पी एच 7, इट विल बी कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे अपने को, अपने उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे. इफ द पी एच विल बी लेस देन 7, इट विल बी कॉल्ड एसिड. इफ द पी एच विल बी मोर देन 7, इट विल बी कॉल्ड बेस. ओके, तो इस स्केल से ही आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हो. देखो मैंने इसमें बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है कि हमारा जो पी एच का वैल्यू 0 से लेकर 3.5 तक है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है. 0 से लेकर 3.5 तक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 टू 7 है तो दे विल बी वीक एसिड. क्या होंगे वो, वीक एसिड, ठीक है. फिर 7 के बाद ज़्यादा पीएच बढ़ती जाएगी तो हम बोलेंगे वो बेसिक हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, दे विल बिकम बेसिक, ठीक है ना. सो 7 से लेकर 10.5, है ना, 7 से लेकर 10.5 तक के जो बेस होते हैं दे विल बी कॉल्ड वीक बेस. उनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस. एंड इफ द पीएच विल बी मोर देन 10.5, है ना, 10.5 से ज्यादा हुई 14 तक, 10.5 टू 14, दे विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. तो उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है ना. सो व्हाट इज पीएच स्केल. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है ना. तो पीएच को मेजर करने के लिए एक नंबर का स्केल बना होता है जिससे अपने एसिड कितना स्ट्रांग है या वीक है, बेस कितना स्ट्रांग है या वीक है, जैसा कि मैंने अभी तुमको एक्सप्लेन किया ही है, ठीक है ना. दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, ठीक है ना. सो पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 14. इट हैज नो यूनिट. पॉइंट टू बी नोटेड दैट इट हैज नो यूनिट्स. ओके,